केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटल नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टी का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके थे, और ये अब है केमिकल प्रॉपर्टी, मेटल रिएक्टिविटी, वाटर, एयर, एसिड, बेस, ये भी हो चुका था सारा, रिविजन कर लिया, लर्न कर लिया था, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पे भी जाते हैं। तो बोलो साथ में आप एलॉयज का उसका कंपोजिशन बताना, ठीक है, कंपोजिशन पहले बता देना। स्टील एलॉय द नेम विद द स्टील, व्हाट आर देयर कंपोजिशन, स्टील का कंपोजिशन बताओ। आयरन, आयरन एंड कार्बन, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम एंड निकल, ठीक है, ब्रास, ब्रास, कॉपर एंड जिंक, ठीक है ना, ब्रॉन्ज, कॉपर एंड टीन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रास और ब्रॉन्ज वाला हमेशा आ जाता है। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, हाँ हाँ, कॉपर जिंक प्लस निकल, ड्यूरेलुमीन, एल्युमिनियम प्लस कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस मैंगनीज, है ना, एल्निको, एल्युमिनियम, एल्निको, एल्युमिनियम, निकल एंड द कोबाल्ट, ये आया हुआ क्वेश्चन है। गन मेटल, ठीक है, याद रखना इसको, चढ़ा था यूजर, यूजर जब नॉन मेटल्स भी हम बता दिए, तो क्वेश्चन से सभी को याद हो गया है, क्वेश्चन से सभी को याद है। चलिए हाँ, डी का पेज नंबर 54 पे आओ, तो डी का पेज नंबर, पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट में देखो, तो नेम वन मेटल एंड द वन नॉन मेटल व्हिच नॉर्मली एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। मेटल में क्या होगा, मर्करी, यस, मेटल, मेटल में मर्करी, नॉन मेटल, नॉन मेटल, ब्रोमीन, दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है ना। स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ, यस, स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन एन 18 कैरेट गोल्ड पीस। बताओ, कॉपर और सिल्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक्स देम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग, प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर, यस, बेस्ट कंडक्टर, दैट इज, या बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, दैट इज फॉलोड बाय द कॉपर, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट वे इट इज यूज्ड नाउ। डिफाइन एंड एलॉय, डिफाइन एंड एलॉय, एलॉय इज व्हाट, एलॉय, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल भी हो, दो तीन तरह का मेटल, दैट आर रेजिस्टेंस फ्री होता है वो, ठीक है ना, दैट आर हाई और स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर दैन द जनरल मेटल। चलिए अब है आपका लिस्ट, यानी टू यूजेज ऑफ द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल का दो यूज बताओ। ऑक्सीजन इज अ मेटल और नॉन मेटल, ऑक्सीजन गैस इज अ मेटल और नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ मेटल और नॉन मेटल, क्या मेटल है या नॉन मेटल है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज अ मेटल, एनी वन ऑफ यू, देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट, टेल मी, नॉन मेटल, यस, नॉन मेटल, इट इज एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट, एंड द व्हाट, व्हाट आर द यूज ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन,
अदरवाइज अ लिविंग थिंग कैन नॉट लीव, अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगा तो लीव करेगा ही नहीं, बिकॉज इट अ वेरी इसेंशियल थिंग्स फॉर द लिविंग लिविंग बॉडी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर ई, देखो राइट द बैलेंस इक्वेशन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन व्हाट इज फॉर्म व्हेन द सोडियम रिएक्ट विद, होगा सोडियम रिएक्ट विथ द व्हेन द सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, सोडियम इज द मेटल नॉन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन ओ टू, ठीक है ना, ओ टू के साथ रिएक्शन करेगा नेट फॉर्म एन ए टू ओ, याद रखना ये बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर टू लगाते हैं तो यहाँ फोर लगा देंगे, दैट विल बी द बैलेंस केमिकल रिएक्शन, फोर एन ए प्लस ओ टू दैट फॉर्म दी टू एन ए टू ओ, ये क्या बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है सोडियम, दिस इज अ मेटल और नॉन मेटल, ये मेटल है कि नॉन मेटल है, सोडियम मेटल है कि नॉन मेटल है, क्या है सोडियम इज अ मेटल, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ यानी टू बनाया, दैट आर द मेटलिक ऑक्साइड दैट आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डबल हेलिक, एल्यूमिनियम का रिएक्शन याद है किसी को, एल्यूमिनियम का रिएक्शन याद है, एल्यूमिनियम ए एल रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एस सी एल दैट फॉर्म ए एल सी एल थ्री, ठीक है, हम लोग मेरे यहाँ पर थ्री है तो हम लोग यहाँ पे कितना ले लेंगे आपका, ठीक है यहाँ पर कितना ले लोगे, ठीक है देख लो लिख लो, 2Al plus 6HCl that is the 2AlCl3, है ना, एल्यूमिनियम सब लिख लेना, अगर याद नहीं भी होगा तो एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो इसको, 2Al plus 6HCl that is the 2AlCl3, हो जाएगा ये, चलिए ये रिएक्शन तुम्हारे क्लास में आता है। Now, the sodium and potassium is stored under the gross level. Why so? What is the reason? Highly reactive. Yes, sodium and potassium are the highly reactive metal. When it comes in contact with the air, that bond with the air. Okay? When it comes in the contact with the water, that also reacts with the water and forms the hydrogen gas. That are exothermic reaction. High amount of heat is released.
सो इट इज केप्ट इन द केरोसिन ऑयल, केरोसिन इन द केरोसिन ऑयल दैट डू नॉट रिएक्ट, केरोसिन ऑयल और द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई द ब्रॉन्ज डिपॉजिट ऑफ कॉपर मेटल फॉर मेकिंग स्टैचू. Iron is stronger and more efficient. Destruction नहीं होता है उसमें, rusting नहीं लगेगा, that's why that are used. Any problem in this chapter? Questions से याद है? Questions सभी को याद है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम इज द मेटल. एल्यूमिनियम इज द मेटल एक्वस, एक्वस को डाइल्यूट कर, एक्वस सॉल्यूशन है एल्यूमिनियम. ये तुम्हारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम मेटल व्हेन रिएक्टेड विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट फॉर्म डी, और ये H2 गैस रिलीज करेगा, मेटलिक सॉल्ट एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड. इसको हम लोग देख रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड विल फॉर्म. क्या हुआ? हाँ उसको बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, लेकिन ये गैस जो होगा वो हाइड्रोजन गैस ही होगा. बैलेंस करने के लिए हम लोग चीज लेते हैं, ठीक है. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा तो हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द एसिड दैट फॉर्म द मेटलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर इवॉल्व. हैव यू रिटन? चलिए तो नहीं होना चाहिए, इसमें याद करने की चीज है. डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, प्लांट सेल का और एनिमल सेल का बल इसका नहीं आ जाए. अच्छा ठीक है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल का तुम लोग डायग्राम जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उसका जितना भी ऑर्गेनाइज है ये है वो है तुम लोग. अब चलो हमको क्वेश्चन नहीं बताओ डायरेक्ट, लिस्ट द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल. कौन सा ऐसा चीज है जो सेल के शेप को बताता है? चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर डी फर्स्ट, चैप्टर. चलिए लिस्ट द मेन फैक्टर्स दैट डिटरमाइन, क्या लोकेशन एंड फंक्शन टॉपिक में दिक्कत है. Locomotion and function. Page number बताओ किसने तुमको locomotion. Cell organelle क्या तुमको topic में problem है, topic समझने में? Who is telling? Who is telling? List the main factors that determine the shape of the cell. कौन सा determine करेगा? Cell wall. है ना? Cell wall, cell membrane. वही उसकी shape को determine करता है. ये कैसा उसका shape होगा? Now second is the distinction between the unicellular and the multicellular organism. Give the example of each. Uni मतलब
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म Bacteria, these are the all other unicellular organisms. The total function of the cell are happening in only one cell. You can multicellular organism. Do example multicellular ka bhi bata do. Human being are the unicellular or multicellular? Human being are multicellular. They have so many organs. So many cells get together that form the tissue. Tissue get together from the organ. Organ system and all organ system combined together to form a body that is one. Now, give reasons for the following. The taste is called as the clear and functional unit of a yeah. सेल इज कॉल्ड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट. सेल ही तो है जिसमें सारा फंक्शन शुरुआत होता है. सो इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द लाइफ. प्लांट सेल्स आर द मोर रिजल्ट देन द एनिमल सेल बिकॉज द प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल दैट इज फॉर्मड बाय व्हिच टाइप व्हिच कंपोनेंट. किस चीज का बना होता है वो सेल? कोई बता दो. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पे. कैल्शियम कार्बोनेट इज केमिकली उसको हम लोग और क्या कहते हैं? मार्बल है, पत्थर है, उसी का है वो चूना है. दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया इन दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस. यस, वहीं पे रेस्पिरेशन हो रहा है एंड ऑक्सीजन लिबरेट एनर्जी. दैट्स कॉल्ड दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ द सेल. व्हाई इट इज कॉल्ड सेल? नेम द सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर ऑफ द लीव्स एंड द फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट. कलर कौन सा होता है? प्लास्टिक क्लोरोक्रोमो एंड ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है. क्लोरो किसका कलर देता है? क्लोरोप्लास्ट ग्रीन. क्रोमो मीन्स कलरफुल है ना, कलरफुल. नाउ इससे घर की आवाज आ रही है, घर की आवाज को दूर रखो, अपना आवाज बस सुनाओ. चलिए, क्योंकि सभी को डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. Now, what are cilia and flagella? Hairy structure. Hairy like a structure that is present in the organelles that is called cilia and flagella that helps in the locomotion and the other function. And what are one similarity and one dissimilarity between the two of them? दोनों में similarity और dissimilarity. ठीक है, छोटे भाई बहन को कहते हैं ना कि थोड़ा कम अल्लाह करे, तो उससे बच्चे भी खूब सुनाई दे रहा है. चलिए क्वेश्चन नंबर 7. इन द ओनियन टेल सेल्स एंड द चिक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू माइक्रोस्कोप. स्टेट द टू मेजर डिफरेंसेस डिफरेंसेस दैट ऑब्जर्व इज लाइकली टू फाइंड. इसका स्ट्रक्चर भी बना लेना, डायग्राम में ना स्ट्रक्चर भी सब बना लेगा. ठीक है. नाउ ई का बोलो तो क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द सेल्स टिश्यूज एंड ऑर्गन.
ये क्या हो गया, ऑर्गन हो गया, ब्लड क्या हो गया, टिश्यू हो गया, है ना, आरबीसी सेल्स, फैट सेल्स, स्किन, स्किन ऑर्गन हो गया, मसल्स आ गए, ब्लड तो टिश्यूज हो जाएगा। Answer the following question. All cells in an organism do not have the same shape. All cells they are differentiated according to their functions. लिखिए उन्होंने क्वेश्चन आंसर याद किया है, याद किया है, याद करेगा, बिना याद किए नहीं लिखवाओगे। वेयर आर, वेयर एंड हाउ आर द क्रोमोसोम्स फॉर्म, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। With the help of a Venn diagram, highlight the differences between a plant cell and an animal cell. Animal cell or plant cell? दोनों का डायग्राम बनाएगा और ऑर्गन को शो करेगा और बताएगा कि ये इसमें है और इसमें नहीं है। इसे डायग्राम बनाना बहुत मस्त है, क्योंकि वो एक प्लांट का हो या एनिमल को या टिपिकल सेल का तो एग्जाम में आता है। डायग्राम 5 मार्क्स का है, उसका डायग्राम बनाओ, उसके ऑर्गेनाइज को लिखो। अगर डिफरेंशियल लिखने के लिए आएगा तो 2 नंबर में डिफरेंस भी दे देगा कि क्या क्या किस्म प्लांट में है और क्या क्या इसमें नहीं है। डिफरेंशियल राइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग सेल ऑफ लेयर्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल के लिए होता है। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, ऑल ह्यूमन, और सब के बारे में क्या, और सब कहाँ गया जी, आता है इतना जाल चला जाता है, पढ़ने का मूड नहीं रहता है क्या सभी को, सभी को पढ़ने का मूड नहीं रहता है, आता है ज्वाइन किया बस अटेंडेंस बनवाया और चला जाएगा। चलिए ठीक है, और सब, सभी का कल एग्जाम हो गया था, एग्जाम कल सारा सक्सेसफुली, सब अपना पेपर को रख, ठीक है। चलिए अब है न्यूक्लियस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। टोटल फंक्शन ही कंट्रोल करता है, कंट्रोल करता है ना न्यूक्लियस। चलिए क्रोमोप्लास्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो ही एक क्रोमो में इस कलर होता है, वो कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, दैट्स व्हाई द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बताओ, चलिए तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, याद कर लेना है इसको, है ना, क्वेश्चन आंसर लिखने सारा कुछ, फंक्शन वगैरह है इसका, डायग्राम मस्त है कि प्लांट के सेल और एनिमल सेल का, इसमें आपको डायग्राम बनाना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, द सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ए सेल, हाउ इज डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पार्ट द फंक्शन ऑफ द सेल। डैमेज सेल, हाउ कैसे हम लोग अगर डैमेज हो जाएगा तो उसका फंक्शन का कैसे क्या करेगा। द सेल मेम्ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट, हाउ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द सेल, हाउ इज द डैमेज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पार्ट द फंक्शन ऑफ द सेल। एनी वन ऑफ यू, सेल मेम्ब्रेन है कि सबको कलेक्ट करके रखे हुए हैं, है ना, अगर वो उसका डैमेज कर जाता है तो क्या हो, हाउ वो डैमेज,
पूरा पूरा याद रखिएगा क्वेश्चन आंसर, क्योंकि एग्जाम में तो पूरा लिखेगा तभी तो नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन द टर्म टर्म सेल्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनेल्स दैट मेक अ सेल, एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये तो पहले भी हो चुका था, अब तुम लोग लिख कर दिखाओ इस चैप्टर का। सब लिखेगा, एक बोल रहा है बाकी सब कुछ चार से सुनते रहता है। सब लिख के दिखाओ और चैट बॉक्स में डालो। अभी तो एक बोले सब सुन, अब सब बोले वाले ठीक है, जल्दी जल्दी लिख के दिखाओ तुम। हाँ चैट बॉक्स में लिखना है। यस ई का लिखेगा, ई का 1 2 3 4, ई का क्वेश्चन नंबर ई 14 का 1 2 3 एंड 4 लिख के दिखाओ। पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4। हरी अप, यू ऑल हैव टू डू, क्योंकि बोलने में एक बोलेगा बाकी सब सुनता रहेगा, लेकिन लिखना तो सभी को है। जल्दी जल्दी लिखो।